थोड़ा। तो भाई सुबह के बज रहे 9 और हम पहुंच के जावरा, जहाँ पे ये पवन चक्की बड़ी बड़ी है ना भाई, मस्त। सो अभी हमने जर्नी कर दी थी सुबह 7 बजे स्टार्ट अपनी मलारगढ़ से, अभी पहुंच गए हम जावरा और यहाँ से कंटिन्यू राइड रखेंगे हम अपनी जो बोलते हैं हमारे को नागदा तक, कंटिन्यू राइड रखेंगे नागदा तक और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा काम कराना है गाड़ी का, लाइटिंग वगैरह और फिल्टर भी पाएंगे। तो चलते हैं सीधा नागदा और वहीं से करेंगे इंट्रो को स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम ट्रैक ब्लॉग्स। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फ्रेश वीडियो। भाई कल को देखते हुए ना, कल हमने 50 किलोमीटर किया था सफ़र, तो आज हमारा टारगेट भाई बहुत है सफ़र करने का, मतलब 300-400 किलोमीटर तो करना ही करना पड़ेगा आज, क्योंकि कल का जो रह गया था सफ़र वो आज भी करना है। तो अभी रुके हम जावरा से थोड़ा सा आगे आके, ये जा रहा है भाई जो न्यू नेशनल एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वो है। देखो ये इसके काम चला हुआ है, अभी ये जावरा से होके जाएगा, तो यहाँ से ये आगे तक अभी थोड़ा सा पोर्शन बन चुका है। और ये लक्ष्य की गाड़ी खड़ी हुई है, हम अभी ऐसे टायर वगैरह चेक करने रुके थे, तो मैंने सोचा इंट्रो ही कर लेते भाई शूट। तो अभी हमारा सीन ऐसा है ना कि हम जा रहे भाई अभी नागदा में करेंगे गाड़ी की थोड़ी चेकअप कराएंगे, और ये बदलना है भाई आज, अगर मेरे को ब्लूटूथ वाला सिस्टम मिल गया ना भाई, तो मैंने ये ना और एक खोल के दूसरा लगा देंगे इसमें, तो इसको भी करेंगे चेक। और चलते भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 6K के हम बहुत करीब है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार, अनस्टॉपेबल है भाई ड्रीम आर्मी। सो ड्रीम आर्मी का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब। हमारा बदल गया यार थोड़ा सा क्योंकि हम आ गए भाई यहाँ जिम्मेदार ढाबे पे। ये देखो ये जिम्मेदार ढाबा, बढ़िया रोटी वगैरह खिलाते हैं, फिर हम यहीं पे नहा लिए और कपड़े वगैरह भी सूखने बाद ही हमने चेंज कर लिए कपड़े, अभी चलते गाड़ी में। तो नहा धो के फाइनली आ गए भाई और कंघी वगैरह भी कर ली, सारा कुछ हो गया अपना। हमारा प्लान पता क्यों बदला, क्योंकि हमने ना कल भी हम शाम को नहीं नहाए थे क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ सीन हो गया था, तो मैं नहाया नहीं था, वैसे दिमाग ख़राब हो गया था, रोटी नहीं मिल रही थी कल। तो फाइनली आ गए भाई खाना खा के, और अभी हम चलेंगे नहीं क्योंकि कपड़े अकेले हमारे। और आज खाने में खाया हमने सरसों का साग, मक्की की रोटी, मज़ा आ गया भाई खा के। और छाछ का तो भाई पूरे ना यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है, मतलब MP में ना कई जगह होटलों में देख लिया, पानी की जगह ना इतने बड़े बड़े जग देते हैं लस्सी के, और पता नहीं वो फ्री में ही होते होंगे भाई पानी की जगह पर रखते जब। पहुंच गए भाई हम, लेकिन हम जा ही रहे भाई यहाँ से, पता क्या हुआ यहाँ पे मिल नहीं रहा कहीं पे सामान सामून ना, यहाँ पे ठीक नहीं मिल रहा, मतलब उस लक्षु ने तो सिर्फ वो ही करना था ना, उसके तो बल्लभ था फ्यूज़, लक्षु का जो बल्लभ था फ्यूज़ वो उसने पाया। फिर यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह भी कम ही है यार, देखो यहाँ पे ना एक दो शॉप्स है, बाकी आगे देखते कहीं अगर स्टीरियो मिले आगे तो लगा लेंगे भाई ज़रूर, नहीं तो कंटिन्यू राइड करते हैं, बाकी चाय पीने रुकेंगे आगे आज, क्योंकि सफ़र करना पड़ेगा भाई, कल की जो भरपाई है ना वो आज करनी पड़ेगी। और लेपड़ बाईपास भी करते पार अभी दिन में, अगर लेपड़ बाईपास में रात होगी तो भाई दिक्कत हो जाती है, बताइए आपको मैंने कल भी बताया था। फटाफट निकलते हैं यहाँ से, लेपड़ बाईपास करते हैं भाई, यहाँ से लेपड़ बाईपास शुरू। ये भाई यहाँ से ख़राब रास्ता सही हो गया, यहाँ से देखो धूलिया श्रेणी पुणे ये आता है थोड़ा सा बीच में ना ख़राब, तो देखो पुलिस वाले भी खड़े हुए वहाँ पेड़ के पास, फोन रखना पड़ेगा नीचे। बाकी मिलते हैं आपको इसके बीच में, जैसे दिखाता हूँ आपको कैसा है लेपड़ बाईपास। ये है भाई लेपड़ बाईपास, दूर दूर तक सुनसान, और अभी मटर की गड्डियाँ चली हुई है, इसमें आपको मटर की गाड़ियाँ दिखाऊंगा कोई मिलेगी ना।
पिछली बारी भी है बाबा यहीं था खड़ा हुआ, पिछली बारी हम दे नहीं पाए कुछ, रगड़े में निकल गए। इस बारी तो देखिए बच्चे बच्चे से क्यों खड़े हुए यहाँ पे इतने सारे। यहाँ हो गया भाई ये बाईपास ख़त्म, और यहाँ से पूरा राउंड कट के ऊपर से गाड़ी आती है, इसमें उतर जो उतर रही है अब मिल रहे हैं हम। ये अंदर से आया इंदौर से आया है रोड, ये अंदर से आ रहा है और हम मुड़ गए भाई धूले की तरफ को। तो यहाँ रुकते हैं चाय पीते हैं, बाकी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी ना हमने गाड़ियाँ आगे पीछे करके भाई कैसे कैसे निकाली है, कभी है लक्षू की गाड़ी आगे कभी मेरी गाड़ी आगे कभी पीछे कभी आगे, ऐसे ऐसे करके तो गाड़ी निकाली है। तो पी लेते हैं यहाँ पे चाय और उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो पी ली भाई हमने चाय और ये ले आया मैं बिस्कुट, बाकी पंकू कर रहा है शीशे साफ। और अभी जा रहे भाई हम यहाँ से क्योंकि सेंधुआ बॉर्डर क्रॉस करना है, और वहाँ पर भी भगवान से ही दुआ है कि भाई ना लगे पैसे। बाकी हम यहाँ रुके थे चाय पीने आंटी जी के पास, बहुत बढ़िया चाय पिला दी आंटी जी। तो चल रहे भाई, ये देखो एक और ट्राला आ गया, आ थोड़ा मेवात एक्सप्रेस। गुड डे यार, आजकल तो भाई बहुत गाड़ियाँ जा रही मटर की, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ। तो चलते यहाँ से सीधा मिलेंगे आप लोगों को सेंधवा बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ पे रात हो जाएगी जाते जाते और वहाँ पे रश नहीं होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, अगर रश होगा ना तो उतना ही टाइम लगेगा आगे के लिए भी। तो निकलते हैं यहाँ से और अपना सफ़र करते भाई कंटिन्यू। बाकी आज हमने अच्छा खासा सफ़र कर दिया, बाकी जोड़ेंगे किलोमीटर कितना सफ़र कर दिया, तेल की टंकी भी भरनी है धूले में और दो बॉर्डर करने पार, एक सेंधवा एक पलासनेर, देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। दुकान होगी हमारी फुल, शाम के बज चुके हैं, देखो वीडियो आप लगाई मैंने अपलोड करने को, शाम के बज के 5:38। चलते हैं अभी और सफ़र निकालते हैं भाई, कल की तरह नहीं करना हमने। बस यहीं तक की दिक्कत रहती है इसमें, जो अपना लेबर बाईपास है ना इसमें यहीं तक की दिक्कत है। यहाँ से आगे फिर अब सेंधवा बॉर्डर आना है, यहाँ से 100 किलोमीटर है शायद सेंधवा बॉर्डर। तो ये हो गया भाई गुजरी घाट का पहला पार्ट स्टार्ट, क्योंकि ये दो पार्ट में बटा हुआ, यहाँ से थोड़ा सा ये है पार्ट इसका और बाकी सीधा आता है, फिर उसके आगे आता है थोड़ा सा पार्ट, ये गुजरी घाट। यहाँ पे भाई स्पीड ही हर कुछ बन जाती है, और देखो भाई क्या मौसम बना हुआ ना, सूर्य अस्त हो रहे और बाबे मस्त हो रहे। क्यों जी? मेरे साथ बैठा हुआ राहुल, पंकू चलेगा लक्षू के साथ बैठने। तो ऊपर के लिए तो भाई यहाँ पे 20 की स्पीड में चलती है गड्डी, और नीचे को देखो 70 की स्पीड में। ये आ गया गुजरी घाट का दूसरा पार्ट, यहाँ से लेकर नीचे तक है भाई स्पीड ब्रेकर और ये ड्रम से रखे हुए ना, कोई गाड़ी इधर उधर ना जा सके इसमें, इसमें तो आराम से चलना पड़ेगा भाई, काफ़ी ढलान है नीचे तक और स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर है। और बसेस और जो तो कच्चे मार की गाड़ियाँ तो देखती नहीं है भाई कुछ नहीं, वो तो बस जा इसके ऊपर से सीधे ही। तीव्र ढलान, सावधानी से चले, पर इन कार वालों का क्या करे ये भी तो बताओ आप। क्या सनसेट हो रहा है यार, ये तो इसमें खुली छड़ दी ना गड्डी नीचे को तो रुक भी नहीं, रुकेगी भी नहीं, और नीचे जाके धुआं ही लगेगा चक्कों से। तो कर लेते ये क्रॉस है, सीधा चलेंगे भाई अपने सेंधवा बॉर्डर पे, वहाँ का प्लान देखते जरा वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है हमारा प्लान कि नहीं। मतलब थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई ना कि सर्टिफिकेट ऑफ डुप्लीकेट फिटनेस, अगर इसमें भाई वो नहीं ना होता लिखा तो कोई टेंशन नहीं थी, पर उसकी वजह से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी चले हुए भाई, घाट ख़त्म ही हो गया बस, ये मंदिर के बाद घाट ख़त्म है आगे। और ये अपनी HP 12 नंबर गाड़ी
चार टायर ही। आयशर की एजेंसी दिखी है भाई, मेरे को कुछ काम था आयशर की एजेंसी में। देखते हैं जरा, खल घाट से पहले है भाई आयशर एजेंसी, ये कुछ ऐसी है एजेंसी यहाँ पे, तो चलता हूँ जाता हूँ फटाफट से ले आता हूँ यार। ये है यहाँ पे इनका ऑफिस। कितने का पड़ेगा? गूगल पे हो जाएंगे जी ये सर 2545 का। 2545 का और करवा लिया भाई एयर फिल्टर चेंज। भाई मेरे से गलती हो गई थी सुनने में, पता क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एयर फिल्टर कराइए चेंज, और मुझे सुना ऑयल फिल्टर, तो मैं लेने आ गया ऑयल फिल्टर, तो भाई एन वक्त उनका फ़ोन आ गया कि एयर फिल्टर करवा लिया तूने चेंज, तो मैंने बोला मैं तो ऑयल फिल्टर करवा रहा था। तो बस वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि इस गाड़ी का भी मुझे पता नहीं ना कि कब क्या चेंज हुई भी, तो भाई क्लोल हो गई थी, तो हमने एयर फिल्टर के लिए भी उठाना ही पड़ना था इसको, तो काम करवा दिया है, यूरिया की बाल्टी ऊपर रख दी है, और अब चलते हैं भाई। लेट हो गए, टाइम भाई बहुत हो गया है, 7:15, डेढ़ घंटा हमने ही बर्बाद कर दिया है भाई, लेकिन अब ओके होगी ना गाड़ी भाई, एयर फिल्टर लग गया है, तो एयर फिल्टर वगैरह लग गया है, तो निकलते हैं यहाँ से और सीधा मिलते हैं आपको जो अपना सेंधवा बॉर्डर है उस पर मिलते हैं आपको, तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं है, उस दिन तो हमारे को उस लाइन में काफ़ी टाइम लग गया था, और काफ़ी टाइम भी लग गया था, और काफ़ी पैसे भी लग गए थे, तो भाई अभी देखते हैं यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं। बाकी पिछली बार आया था मेरा खर्चा यहाँ का 3,000 रुपये, और आप ये है हमारे पास पड़ा हुआ जो भी है सर्टिफिकेट होता है जो फिटनेस का। बाकी देखते हैं यहाँ पे जो भी सिस्टम रहेगा दिखाएंगे आपको भी, और बताऊँगा कितने पैसे लगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ओरिजिनल मांगते हैं यार हर चीज़ ना, चाहे आपका ऑनलाइन है नहीं है, पर कागज़ मांगते हैं सामने, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। कहाँ की मंडी उस्ताद जी, कहाँ की मंडी है? मुंबई। अरे कितने घंटे? 24 घंटे। बोली होगी भाई लक्ष्य से ले लिया 300 रुपये, हमारे तो 200 रुपये में ही सर गए यहाँ पे, इसके 300 रुपये लग गए पता नहीं क्यों। तो जा रहे भाई अभी सीधे पेट्रोल पंप पे, वहीं मिलते हैं आपको, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और ब्लॉग ज्यादा लंबा बढ़ रहा है, थोड़ा वहीं करेंगे इसको एंड, तो मिलते हैं आपसे सीधे पंप पे। फाइनली बॉर्डर तो हो गया ना भाई क्रॉस, और तेल की बत्ती भी आ गई, देखो कम हो गया इसमें तेल, तो पा रहे भाई अभी तेल दोनों गाड़ियों में 2,000 का तेल पाते हैं, क्योंकि यहाँ और प्लासनेर में ना, मतलब सेंधवा और प्लासनेर में 3 रुपये का फ़र्क है, तो 3 रुपये का फ़र्क काफ़ी हो जाएगा, मतलब फुल कराएंगे पर प्लासनेर में 2 का ही पाओ ना लक्ष्मी, 2 का ही पाएंगे। और यहाँ पे भाई नहीं लगे इस बारी पैसे, जो एंट्री लगती है 500 रुपये वही लगे, और 100 रुपये घंटे पे, तो वही था बाकी बच गई भाई इस बारी, तो फिटनेस आने पे भाई सुकून मिला, नहीं तो 5,000 रुपये ऐसे ठुकरे थे बेमुफालतू के। तो अभी हमारा प्लान ऐसा है कि खाना खाने रुकेंगे हम सिर्फ, और टंकी फुल कराएंगे दोबारा से, क्योंकि अभी तो वहाँ पहुँचने तक लाइक जी हमारे को जो प्लास नहीं रहा वहाँ तक जी बस, फिर उसके बाद वहाँ से आगे देखेंगे। तो करवाते हैं टंकी फुल और चलते भाई, सफ़र आज का हमारा अच्छा निकल गया हुआ है, हम अभी देखो 9:30 हुए हुए, पर ये कितना 92 रुपये है ना, देखते हैं टाइम हो गए 11:30 हो गए, और हम पहुंच गए भाई कबूतर वाले ढाबे पे, यहाँ पे उड्डू उड्डू करेगा दिल, सो अभी लगाते हैं यहाँ पे, खाना खा लेते हैं और इस व्लॉग को भी कर लेते हैं एंड, बाकी आपको एवरेज वगैरह बताएंगे अगले व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड भाई, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद व्लॉग करेंगे एंड। हम भी खाते हैं खाना, और आप लोगों ने तो खा ही लिया होगा भाई, इस टाइम को तो कोई नहीं रहता, क्यों इस टाइम को तो कोई नहीं रहता भूखे घर में 11:30 बजे। चलो 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 फटाफट, और तेल का बताऊंगा मैं आपको अगली बारी, अभी खा लेते हैं खाना उसके बाद मिलते हैं आपको। अभी चेले टोपे में ही हो गया पैक
आ गई भाई गाजर मटर है लस्सी मंगा लेते हैं। चम्मच देखो भाई चम्मच छोटी कड़छी चम्मच थोड़ी भी है छोटी कड़छी है। यो गाजर मटर खा रहे हैं आज हम दिन को भी यही खाई थी और आज रात को भी यही खाएंगे हम समझ रहे हो ना पौष्टिक आहार। लस्सी नहीं मैं तो लेनी भाई तू पी ले मेरे को आती नींद लस्सी पी के मैं नहीं रह सकता उठा लस्सी पी के। भाई जी 12:13 देखा क्या टाइम हो गया। और भाई आज मैं बताऊँ आपको हमने कितना सफ़र निकाल दिया आज। आज हम निकलेंगे यहाँ से मल्हारगढ़ का आएंगे यहाँ से डायरेक्शन तो ये रतलाम होके आए हुए हम देखो यहाँ से धार सेंधवा शीरपुर और यहाँ पे अभी हम नरडाणा में खड़े हुए। तो आज हमने निकाल दिया भाई 406 किलोमीटर। भाई देखो ये ढाबा भले ही आपको अभी देखने को छोटा लग रहा है ठीक है लेकिन भाई हर कुछ ही खाना मतलब जिसको बोलते हैं ना एक नंबर खाना टेस्टी हर कोई भाई चाय क्या चीज़ है बोलो वही बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वही बात है भाई बाहर से देखने को छोटा लगता है लेकिन टेस्ट है ना भाई खाने का वो एक नंबर है इसलिए इस पे रुकते हैं हम नरडाणा से पहले ये धोले आज का सफर करते भाई अपना रात का कंटिन्यू अभी 100 किलोमीटर आगे जाके हम सो जाने वाले हैं इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी जो एवरेज आएगी इस और लीलैंड की वो अगले व्लॉग में बता दूंगा मैं आपको। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो अगर पसंद आ रही भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब चैनल और फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्योंकि उस पे अभी 700 ही है भाई तो 1000 तो करवाई दो प्लीज़। और बाकी देखते हैं सुबह मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में तब तक के लिए अपने आसपास ऐसी सफाई रखें अपने माँ बाप की सेवा करते रहे और देखते रहे भाई ड्रीम ट्रैक ब्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।